आज हम आपके सामने लेके आए हैं क्लास 4 का ईवीएस सब्जेक्ट, और इसका चैप्टर फर्स्ट है इनसाइड आवर बॉडी। इस चैप्टर को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किए हैं ताकि आप अच्छे से ये पढ़ सकें और हम ज़्यादा से ज़्यादा इसके कंटेंट को आपको अच्छे से डिस्क्राइब करके ये समझा सकें। तो इस चैप्टर में हम लोग जो बिंदु पढ़ेंगे वो हैं, व्हाट आर इंटरनल ऑर्गन्स, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ आवर हार्ट, व्हाट डू वेन्स एंड आर्टरीज डू, व्हाट इज डाइजेशन, विच ऑर्गन्स हेल्प इन डाइजेशन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लंग्स, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ आवर ब्रेन। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये फर्स्ट लाइन है, ह्यूमन बॉडी इज़ अ वंडरफुल मशीन, यानी कि मानव शरीर एक वंडरफुल मशीन है। ओके, सबसे पहले चीज़ कि आप आराम से पढ़िएगा, अगर मेरी स्पीड फास्ट या स्लो होगी तो आपके वीडियो के सेटिंग में, आपके जो यूट्यूब जो आपने ओपन किया है उसकी ये सेटिंग में, आप उसमें स्पीड को कंट्रोल अपने से कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको फास्ट लगे या मेरी वॉइस आपको फास्ट लगे तो आप इसको ये स्लो भी कर सकते हो। ओके, तो फर्स्ट लाइन है, ह्यूमन बॉडी इज़ अ वंडरफुल मशीन, यानी कि मानव शरीर एक वंडरफुल मशीन है। इट इज़ मेड अप ऑफ मेनी पार्ट्स एंड ऑर्गन्स, ये कई सारे भागों और ऑर्गन्स अंगों से ये बना होता है। द ऑर्गन्स आउटसाइड आवर बॉडी दैट वी कैन सी आर कॉल्ड एक्सटर्नल ऑर्गन्स, ऐसे ऑर्गन्स जो हमारे शरीर के बाहर होते हैं उनको हम लोग एक्सटर्नल ऑर्गन्स कहते हैं। ये बस नाम से ही एक्सटर्नल ऑर्गन्स, क्योंकि ये एक्सटर्नल होता है। एक्सटर्नल मतलब क्या, जो बाहरी हो, और इसका अपोजिट वर्ड होता है इंटरनल, यानी कि आंतरिक। ओके, एक्सटर्नल का हिंदी होता है बाह्य और इंटरनल का हिंदी होता है आंतरिक। ओके, तो सम ऑर्गन्स आर इनसाइड आवर बॉडी विच वी कैन नॉट सी, कुछ ऐसे भी ऑर्गन्स होते हैं जो कि हमारे शरीर के अंदर होते हैं जिनको हम देख नहीं सकते, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, इंटरनल ऑर्गन्स। ये देखिए पिक्चर में आप देखिए। ओके, इसमें इंटरनल ऑर्गन्स दिखाए गए, जैसे कि ब्रेन हो गया आपका, ये देखिए हमारे सिर के अंदर रहता है ना, खोपड़ी के अंदर रहता है। ओके, तो ये ब्रेन है, स्किन हो गया, बोन हो गया, मसल्स हो गए, लीवर हो गया, हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, स्टमक हो गया, लार्ज इंस्टेटाइन, स्मॉल इंस्टेटाइन, आप ये देखिए ये सारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं। ओके, तो अब देखिए, एक्सटर्नल ऑर्गन्स और पार्ट्स हेल्प अस टू डू वर्क्स लाइक वॉकिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ईटिंग एंड हियरिंग। एक्सटर्नल ऑर्गन्स और पार्ट्स हेल्प अस टू डू वर्क्स लाइक वॉकिंग, यानी कि जो एक्सटर्नल ऑर्गन्स होते हैं वो हमारी मदद करते हैं उन कामों में, जैसे वॉकिंग चलना, स्पीकिंग बोलना, रीडिंग मतलब इसको अच्छे से पढ़ना। ओके, राइटिंग लिखना, ईटिंग खाना, एंड हियरिंग मतलब सुनना। ओके, यानी कि जो एक्सटर्नल ऑर्गन्स होते हैं वो हमारे इन कामों में मदद करते हैं। कौन कौन से काम हैं आप इसको कमेंट बॉक्स में लिखिए अच्छे से, यानी कि वॉकिंग चलना, स्पीकिंग बोलना, रीडिंग पढ़ना, राइटिंग लिखना, ईटिंग खाना और हियरिंग सुनना। इंटरनल ऑर्गन्स कीप आवर लाइफ प्रोसेस गोइंग। ओके, अब जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं जिनको हम देख नहीं सकते, वो हमारे लाइफ प्रोसेस को, यानी कि जीवनचर्या, जो एक तरह का होता है ना कि रोजमर्रा की लाइफ को, वो अपना काम करते रहते हैं लेकिन हम लोग उनके काम को देख नहीं पाते। जैसे कि आप अपने हाथ से, हाथ हो गया, पैर हो गया, तो इन सब का काम आप देख रहे हो, या मुंह का काम आप देख रहे हो, खा रहे हो, आंखों से आप देख रहे हो, तो आपको ये लग रहा है कि हाँ भाई, हम अपने आँख से उस चीज़ को देख पा रहे हैं या उसके कलर को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। लेकिन जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं आप उनके कामों को आप देख नहीं सकते, लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि वो काम कर नहीं रहे, वो 24 घंटे अपने काम में लगे होते हैं। एक्सटर्नल ऑर्गन्स कुछ समय के लिए रुक भी जाते हैं जब आप सोते हो तो, या जब आप आराम करते हो, बट इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वो हमेशा काम करते रहते हैं, ठीक है, इवन कि जब आप सोए रहते हो तब भी। ओके, तो इसमें लिखा हुआ है कि इंटरनल ऑर्गन्स कीप आवर लाइफ प्रोसेस गोइंग, दे वर्क कंटिन्यूअसली थ्रू आउट आवर लाइफ। हम जब तक हमारी लाइफ रहती है तब तक वो अपना काम करते रहते हैं कंटिन्यूअसली। कंटिन्यूअसली मतलब निरंतर, आप इसको लिखिएगा। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनका कि इंग्लिश तो आप मतलब आपको आता होगा या फिर आप इजीली समझ जाते हो, लेकिन उनको हिंदी में ट्रांसलेट करना थोड़ा सा ये मुश्किल होता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी और इंग्लिश आप दोनों पे ध्यान दें। ओके, क्योंकि दोनों लैंग्वेज, दोनों भाषाएं हैं और दोनों हमारे लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट। ओके, अब देखिए, द बिल्डिंग ऑफ आवर बॉडी स्टैंड्स ऑन द पिलर्स ऑफ द स्केलेटन, ठीक है, हमारा बॉडी का जो बिल्डिंग है, ठीक है, एक तरह से समझिए कि हमारा बॉडी बिल्डिंग है। ओके, तो ये स्केलेटन के पिलर पे ही खड़ा है। स्केलेटन आप देखते होगे हॉरर मूवीज में, वो स्केलेटन वो सब होते हैं, तो
वो एक तरह का हमारे बॉडी का जो बिल्डिंग होता है उसका ये पिलर होता है, एक ढांचा होता है, उसी पे तो हमारा बॉडी पूरा ये खड़ा है। जैसे आपका घर भी पिलर्स पे ये खड़ा रहता है, पिलर अगर ना हो, बस खाली आप ऐसे ही ईंट खड़ा कर दोगे तो नहीं हो पाएगा, उससे घर काफ़ी कमज़ोर हो जाएगा उससे। ठीक है, दिस सपोर्ट्स एंड प्रोटेक्ट्स आवर इंटरनल बॉडी ऑर्गेन्स। आई एम सॉरी, हम एक लाइन छोड़ दिए। स्केलेटन इज द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स। अब जैसे स्केलेटन क्या है, ये जो ढांचा है ये क्या है, ये बोन्स का फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क मतलब वो एक ऐसा ढांचा है, हड्डियों का एक ढांचा होता है ये। स्केलेटन जो है वो हड्डियों का ढांचा होता है, एक फ्रेमवर्क होता है। ठीक है, आप लोग कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश वर्ड्स को अपने लाइफ में लें ताकि आपको आदत हो जाए। ठीक है, अब जैसे कि हड्डियों का ढांचा हो गया, तो क्या इसको ये कहेंगे, स्केलेटन इज़ द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स। ओके, दिस सपोर्ट्स एंड प्रोटेक्ट्स आवर इंटरनल बॉडी ऑर्गेन्स। ये अब जैसे कि ये हमारे इंटरनल बॉडी ऑर्गेन्स को सपोर्ट करता है और प्रोटेक्ट भी करता है, प्रोटेक्शन देता है, जैसे हार्ट को, आपके लंग्स को, लीवर को, ये सारा इसी के अंदर ये प्रोटेक्ट रहते हैं। ओके, द मसल्स आर अटैच्ड टू द बोन्स एंड दे हेल्प द बॉडी पार्ट्स मूव एंड डू डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क्स। क्या है, मसल्स आर अटैच्ड टू द बोन्स। अब जो हमारी मसल्स होता है ना कि बॉडी बिल्डिंग करते तो मसल्स बनाओ ये वो, तो मसल्स क्या होता है कि बोन्स से अटैच्ड होते हैं और हमारे बॉडी पार्ट को मूव करने में सहायक होता है ये मसल, और अलग अलग तरह के काम हम लोग मसल्स की हेल्प से कर पाते हैं। इमेजिन कीजिए कि अगर आपके पास बस हड्डी हो, उस पर मसल्स ना हो, तो कितना ऑड लगेगा, आप लोग कुछ काम ही नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं, अजीब लगेगा, आप कोई भी मेहनत वाला काम आप नहीं कर पाओगे। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हड्डी नहीं रहेगा तो आप बस खाली मसल्स से आप काम कर लोगे, दोनों जरूरी हैं अपने अपने जगह पर। तो आवर बोन्स एंड मसल्स वर्क टुगेदर वर्क आवर बोन्स एंड मसल्स वर्क टुगेदर टू हेल्प अस वॉक, रन, जम्प, लाई एंड स्टैंड। इसमें ये कह रहा है कि जो मैंने अभी कुछ देर पहले कहा कि आवर बोन्स एंड मसल्स वर्क टुगेदर, ये बोन्स और जो हमारे मसल्स होते हैं वो एक साथ काम कर रहे हैं, किसके लिए, हमारी मदद करते हैं चलने में, वॉक, रन, दौड़ने में, जंप, कूदने में, लाई, लेटने में एंड स्टैंड, खड़े होने में। अगर इनमें से, इन दोनों में से एक भी नहीं रहा तो आप ये सारे काम नहीं कर पाएंगे, एक भी काम आप नहीं कर पाएंगे, ना आप चल पाएंगे, ना दौड़ पाएंगे, ना कूद पाएंगे, ना लेट पाएंगे और ना खड़े हो पाएंगे अच्छे से। लेट तो लेंगे लेकिन अच्छे से नहीं लेट पाएंगे, अजीब लगेगा। आवर इंटरनल ऑर्गन्स वर्क ऑन दियर ओन। ठीक है, दे नीड नो कमांड टू वर्क, डिफरेंट ऑर्गन्स परफॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क्स। अब जैसे कि एक्सटर्नल ऑर्गन्स की तरह इंटरनल ऑर्गन्स हमारा कमांड, मतलब उनको देने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, वो अपने हिसाब से चलते हैं, दे नीड नो कमांड टू वर्क। वो किसी भी, वो काम करने के लिए उनको किसी का कमांड नहीं चाहिए, वो अपना काम एकदम प्रोग्राम्ड है, चलना है तो चलना है। ओके, जब तक आप जिंदा रहोगे वो अपना काम करते रहेंगे। डिफरेंट ऑर्गन्स परफॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क्स। ठीक है, जो अलग अलग तरह के जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनका काम भी अलग अलग होता है। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं। इसमें आ गया द फर्स्ट वन इज हार्ट। ओके, तो हार्ट से हम स्टार्ट करते हैं। आवर हार्ट लाइज इनसाइड आवर चेस्ट। हमारा जो हार्ट होता है वो चेस्ट के अंदर होता है, लाइज। ओके, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी, ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ये मानव शरीर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो बहुत अधिक इंपॉर्टेंट जो ऑर्गन्स होते हैं उनमें से एक है ये। इट पम्प्स ब्लड टू आवर आर्टरीज। ठीक है, ये क्या करता है कि ये ब्लड को, आर्टरीज को पंप करता है, यानी कि भेजता है, पंपिंग करता है। आर्टरीज मतलब होता है धमनी होता है, वैसे आप लोग ये आर्टरीज ही समझो। ठीक है, आर्टरीज कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द रेस्ट ऑफ आवर बॉडी। अब जो आर्टरीज होता है, ये जो धमनियाँ होती हैं, वो हार्ट से जो ब्लड होता है उसको हमारे पूरे शरीर में फैलाता है। ठीक है, जो आर्टरीज का काम, आराम से आप ये समझो कि हार्ट जो है वो पंप करता है ब्लड को आर्टरीज में, और आर्टरीज क्या करता है कि पूरे शरीर में उस ब्लड को फैलाता है, पहुंचाता है हर पार्ट में। ठीक है, ध्यान से सुनना आप में, लेकिन ये बस एक ही पैराग्राफ दिया हुआ है या दो पैराग्राफ, वैसे हार्ट का काम बहुत ज़्यादा है तो ये संभव नहीं है कि आपके सिलेबस में जितना दिया है हम लोग उतना ही पढ़ाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हार्ट का काम बस इतना ही है ना। इसमें बहुत सा चीज़ें जो कि आप आगे चल के, अभी जैसे जैसे आप सीनियर क्लास में जाएंगे वैसे वैसे आपको और डीप में नॉलेज दिया जाएगा। फिलहाल आपके सिलेबस में जितना है उतना हम लोग आपको समझाएंगे। ओके, तो इसमें दिया हुआ है कि आर्टरीज कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द रेस्ट ऑफ आवर बॉडी। रेस्ट ऑफ आवर बॉडी यानी कि
शरीर के पूरे बाकी शरीर के हिस्सों में, ठीक है, ये कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू रेस्ट ऑफ आवर बॉडी, ये हार्ट से ब्लड लेता है और पूरे शरीर में फैलाता है, ठीक है। आवर वेन्स कैरी ब्लड बैक फ्रॉम द बॉडी टू द हार्ट। अब आर्टरीज क्या करता है कि ये तो पूरे शरीर में इसको पंप, इसको हार्ट पंप करता है आर्टरीज को, आर्टरीज क्या करता है कि ब्लड लेके पूरे शरीर में फैलाता है, लेकिन जो वेन्स होती हैं, जो ये नसें होती हैं, वो ब्लड क्या करता है कि वापस से हार्ट में लाता है, पूरे शरीर से ब्लड इकट्ठा करके जहाँ जहाँ से, जैसे एक समझिए वायर होता है, वेन्स यानी कि जो हमारी नसें होती हैं, वो क्या करता है कि हार्ट को वापस ब्लड प्रोवाइड करता है या पहुँचाता है। वेन्स कैरी ब्लड बैक फ्रॉम द बॉडी टू द हार्ट, यानी कि शरीर के अन्य हिस्सों से ब्लड को हार्ट तक पहुंचाने का काम वेन्स करता है, यानी कि नसें करती हैं, ठीक है। वेन्स एंड आर्टरीज मेक अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स कॉल्ड ब्लड वेसल्स। ये जो आर्टरीज का काम होता है पूरे शरीर में ब्लड को फैलाना, पहुंचाना, और वेन्स का काम होता है पूरे शरीर से ब्लड को लेके हार्ट तक पहुंचाना। अब क्या कहते हैं कि ये एक नेटवर्क बना देते हैं, जैसे हम लोग के घरों में तार का या वायर का, इलेक्ट्रिक वायर का ये नेटवर्क होता है ना, वैसे ही ये पूरे शरीर में एक नेटवर्क बनाते हैं ये दोनों मिलकर। कौन कौन दोनों? वेन्स और आर्टरीज, ठीक है। आप इन दोनों का स्पेलिंग अच्छे से लिखिएगा, याद कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि आपको आगे पढ़ने होंगे। ओके, आप में से कुछ लोग बायोलॉजी अगर लोगे सीनियर सेकेंडरी में, तो फिर आपको इसमें डीपली पढ़ना होगा, तो अभी से अपना बेस आप लोग धीरे धीरे तैयार कीजिए। ओके, वेन्स और आर्टरीज मिलके एक नेट एक ट्यूब्स का एक नेटवर्क बनाते हैं जिनको हम लोग ब्लड वेसल्स कहते हैं, ठीक है। वेन अ डॉक्टर पुट्स अ स्टेथोस्कोप ऑन योर चेस्ट, ही शी हियर्स योर हार्ट बीट, द हार्ट ऑफ नॉर्मल पर्सन बीट 72 टाइम्स इन अ मिनट। आप लोग जब भी हमारी तबीयत खराब होती है, जैसे मेरी भी होती थी, तो मैं डॉक्टर के पास जाता था, आप लोग भी जाते होंगे, तो डॉक्टर क्या करता है कि एक वो ये प्रोनाउंस करने में थोड़ा सा ये दिक्कत होता है, स्टेथोस्कोप इसको हम लोग कहते हैं, काफ़ी मुश्किल्स होता है इसको ये प्रोनाउंस करने में, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये मतलब हो जाएगा। तो ये हमारे चेस्ट पे ये लगाते हैं और धड़कन सुनने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो नॉर्मल हार्ट होता है किसी पर्सन का, वो 72 टाइम्स एक मिनट में धड़कता है, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया हार्ट आपका। अब हम लोग आते हैं लंग्स पे, ये देखिए लंग्स का पिक्चर आपके सामने है, ठीक है, ये देखिए, ये है आपका लंग्स, ठीक है, ये देखिए लंग्स। अ पेयर ऑफ लंग्स लाइज ऑन आइदर साइड ऑफ द हार्ट। अब ये क्या होता है कि जो लंग्स है वो क्या करता है कि हार्ट के दोनों साइड में होता है, ठीक है, आइदर आइदर साइड ऑफ द हार्ट, ठीक है। दे आर प्रोटेक्टेड बाई द रिब केज। वो क्या होता है कि रिब यानी हड्डियों का एक केज होता है, उससे ये प्रोटेक्टेड होते हैं, ठीक है। दे हेल्प अस टू ब्रीद, ये हमें सांस लेने में हमारी सहायता करते हैं। हमारे ब्रीथ मतलब क्या होता है? सांस लेना, BREATH, ब्रीद। आप लोग अच्छे से इसको लिख के याद कर लीजिएगा। द एयर वी ब्रीद इन थ्रू द नोज गोज टू द विंड पाइप दैट इज कनेक्टेड टू द लंग्स, ठीक है। अब हम लोग नाक से जो सांस लेते हैं ना, वो क्या होता है कि वो विंड पाइप में आता है जो कि लंग्स से कनेक्टेड होता है। ये देखिए, ये दोनों लंग्स के बीच में एक पाइप है, उसको हम लोग विंड पाइप कहते हैं। ये नाक से सांस जब भी हम लोग लेते हैं तो इसी के थ्रू सांस लंग्स तक आता है, ठीक है। आवर लंग्स टेक आउट ऑक्सीजन फ्रॉम दिस एयर एंड गिव इट टू द ब्लड। अब हमारा लंग्स क्या करता है, ध्यान से सुनिएगा, नाक से जो हम लोग हवा लेते हैं उसमें ऑक्सीजन होता है, वो विंड पाइप के थ्रू आता है लंग्स को। अब लंग्स उसमें से ऑक्सीजन को ले लेता है और वो ऑक्सीजन लेके कहता है कि भैया, ब्लड से कहता है कि अब तुम ये ऑक्सीजन ले लो, ठीक है, ब्लड को दे देता है ऑक्सीजन। द ब्लड देन कैरीज ऑक्सीजन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब हमारा जो ब्लड है, तो जैसे आपने ये पढ़ा ना हार्ट में कि आर्टरीज क्या करता है कि ब्लड ब्लड को पूरे बॉडी में फैलाता है, तो ब्लड क्या करता है कि वो उस ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में फैलाता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखिए, तब कहाँ थे हम लोग, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है।
पिक्स अप वेस्ट और कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैरीज इट बैक टू द लंग्स। ठीक है, तो ब्लड भी क्या क्या करता है कि ब्लड देन कैरीज ऑक्सीजन टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, पिक्स अप वेस्ट और कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैरीज इट बैक टू द लंग्स। जैसे कि लंग्स क्या करता है कि इसको ऑक्सीजन देता है कि ब्लड एक काम करो, तुम ऑक्सीजन लो और शरीर के अन्य हिस्सों में ऑक्सीजन पहुंचाओ। तो ब्लड भी उधर से तो पहुंचाता है, लेकिन और एक काम करता करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड वापस ला के इनको लंग्स को दे देता है कि ये लीजिए, अब आप ये कार्बन डाइऑक्साइड शरीर के बाहर निकालिए। ठीक है, आसान शब्दों में इसको ही समझिए, वी ब्रीथ आउट दिस कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू द नोज। अब हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ऑक्सीजन लेते हैं उसी प्रकार हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, दस एवरी टाइम वी ब्रीथ एयर मूव्स इन एंड आउट ऑफ द लंग्स, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। तो जब भी हम सांस लेते हैं तो हमको पता नहीं चलता है कि हम लोग सांस उस समय छोड़ते भी हैं कुछ, है ना, और इस प्रोसेस को हम लोग रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, हो गया क्लियर। ये देखिए लंग्स इतना ही है, इसमें साइड में कुछ दिया हुआ है, एड मोर में, ये देखिए स्क्रीन पे अपने, द ऑक्सीजन हेल्प्स इन ऑक्सीडाइजिंग द फूड इन द ब्लड टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिविंग अस एनर्जी। ठीक है, अब आते हैं स्टमक पे। ओ सॉरी, इसको इसमें ये लिखा हुआ है, द ऑक्सीजन हेल्प्स इन ऑक्सीडाइजिंग द फूड। ऑक्सीजन जो होता है वो फूड को, जो ब्लड में जो होता है फूड का कुछ पार्ट, वो उसको ऑक्सीडाइजिंग का करने का काम करता है, फूड इन द ब्लड टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिविंग अस एनर्जी। और क्या करता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, ओके, और हमको एनर्जी देता है। ओके, तो ऑक्सीजन ही ऐसा चीज़ है जो कि हमारे पूरे बॉडी को ऑक्सीडाइज करता है, जिससे हम तरोताज़ा महसूस करते हैं। जैसे ही हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है तो पूरा दम फूलने लगता है, आप कभी कभी देखते हो कि अजीब सा लगने लगता है ना। इसीलिए जब आप गहरी सांस लेते हो ना तो आप काफ़ी रिलैक्स फील करते हो, उसमें यही ये कह रहा है। ओके, एक अलग टाइप का एनर्जी आपको मिलता है उससे। ठीक है, अब आता है द स्टमक। ठीक है, यानी कि पेट, पेट या आमाशय जो भी कहिए। आवर स्टमक इज आवर बॉडी मिक्सी। ठीक है, ये क्या क्या है कि हमारे बॉडी का एक मिक्सी होता है। ठीक है, जैसे कि आपके घरों में मम्मी जो मिक्सी यूज़ करती है। ओके, व्हेन वी च्यू द फूड इन आवर माउथ इट गेट्स मिक्स्ड विथ सैलिवा एंड बिकम्स अ पेस्ट। ठीक है, व्हेन वी स्वेलो दिस पेस्ट मूव डाउन आवर फूड पाइप एंड रीचेस आवर स्टमक। अब जैसे क्या क्या होता है कि जब हम लोग कोई खाना चबाते हैं, अपने मुंह में खाना चबाते हैं, तो ये सैलिवा के साथ मिलता है और एक पेस्ट बन जाता है, और जब हम इसको ये निगलते हैं तो यही पेस्ट हमारे फूड पाइप के थ्रू स्टमक में पहुंचता है। ओके, स्टमक, आवर स्टमक इज़ अ जे शेप्ड बैग लाइक ऑर्गन लोकेटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन। ये हमारे पेट के ऊपरी हिस्से में एक जे शेप्ड बैग लाइक ऑर्गन है, ये देखिए स्टमक। ठीक है, ये जे शेप्ड होता है और हमारे पेट के ऊपरी हिस्से में होता है, इसका मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, और इंटरनल ऑर्गन है ये। देर आर स्ट्रॉन्ग मस्कुलर वॉल्स इन द स्टमक। स्टमक के जो वॉल्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग और मस्कुलर होते हैं। ठीक है, द स्टमक फर्स्ट ब्रेक्स द फूड इंटू स्मॉलर पीसेस। ठीक है, स्टमक क्या करता है कि जो खाना आता है फूड पाइप के थ्रू उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देता है, वो तो ऑलरेडी पेस्ट होता है लेकिन उसको भी छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देता है ना। मोस्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन टेक प्लेस इन द स्टमक। देखिए, खाना जब हम लोग खाते हैं तो वो होता है ना, खाना पच रहा है, खाना एक पाचन क्रिया होती है, तो डाइजेशन का यानी कि पाचन क्रिया का जो मेन मेन पार्ट होता है उनमें से, मतलब मेन मेन पार्ट आपका स्टमक में ही होता है। ओके, जो मेन प्रोसेस होता है डाइजेशन का वो स्टमक में ही होता है। ठीक है, द फूड रिमेन्स इन द स्टमक फॉर सेवरल आवर्स वेयर वेरियस जूस गेट मिक्स्ड विथ इट। अब जो खाना आता है जिसको स्टमक क्या करता है कि छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देता है, वो कुछ घंटों तक हमारे इस यहाँ पे स्टमक में रहता है और इसमें कई सारे जूस इसमें ये मिक्स होते हैं। ओके, द स्टमक कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एक्सपैंड्स कॉन्स्टेंटली टू चून फूड टिल इट बिकम लिक्विड एंड ईजिली डाइजेस्टेबल। ठीक है, स्टमक क्या करता है कि इसको, जैसे कि आप लोग घर में देखते होंगे,
आपने कभी देखा होगा कि दही को एक मतलब हमारी जो दादी होती थी, मैं अपने घर की बात कर रहा हूँ, तो उसमें मथनी का यूज़ होता था, उसको हम लोग मथनी बोलते थे। वो लकड़ी का एक होता था, उसको हम लोग गोल गोल उसमें सर्कुलेट करते थे, तो उसमें से ही मक्खन आता था। वो यही एक प्रोसेस है ना, उससे हम लोग दाल को भी क्या बोलते हैं उसको, उसको हम लोग मिक्स करते हैं। ओके, तो वैसे ही ये यहाँ पे खाने को भी ये मिक्स करता है ये। ओके, यहाँ मतलब कि खाने का यहाँ पे मंथन होता है एक एक तरह से। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेशन, इसको हम लोग डाइजेशन कहते हैं। ओके चलिए, तो यानी कि पाचन क्रिया का जो मेन प्रोसेस होता है वो स्टमक में होता है। चलिए अब आते हैं द स्मॉल इंस्टेटाइन। इंस्टेटाइन यानी कि छोटी आंत। आप ये देखिए, स्मॉल इंस्टेटाइन है ये। तो इसमें क्या है कि आवर स्टमक कैन नॉट डाइजेस्ट द फूड कंप्लीटली, सो इट पुशेस द फूड इन टू अ लॉन्ग कॉइल ट्यूब कॉल्ड स्मॉल इंस्टेटाइन। अब हमारा जो स्टमक है वो पूरी तरह से खाने को पचाता नहीं है, वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, इसीलिए वो क्या करता है कि वो एक लंबा कॉइल्ड नुमा, कॉइल्ड ट्यूब टाइप का एक ऑर्गेन होता है जिसको हम लोग स्मॉल इंस्टेटाइन कहते हैं, वहाँ भेज देता है। स्मॉल इंस्टेटाइन का मतलब होता है छोटी आंत, ठीक है। वहाँ भेज देता है कि भैया आप थोड़ा बहुत हम पचा दिए हैं, मतलब काफ़ी हद तक हम इसको अब पचा दिए हैं, थोड़ा सा तुम भी इसमें लगो, इस काम में। तो इस स्मॉल इंस्टेटाइन इज कनेक्टेड टू द स्टमक, ये स्टमक से ही कनेक्टेड होता है। ठीक है, इट इज 6.5 to 7.5 मीटर लॉन्ग, यानी कि 6.5 से 7.5 मीटर लंबा होता है, बहुत लंबा होता है। द डाइजेस्टिव जूसेस इन आवर स्मॉल इंस्टेटाइन फिनिश द जॉब लेफ्ट ओवर बाय द स्टमक। अब इसमें होता क्या है कि डाइजेस्टिव जूसेस कुछ होती हैं, है ना, जो कि हमारे स्मॉल इंस्टेटाइन में होती हैं, और जो खाना, जो पाचन क्रिया जो कि स्टमक में हुई रहती है, तो पूरा तो होता नहीं है, तो स्टमक कहता है कि भैया अब स्मॉल इंस्टेटाइन तुम भी इसको थोड़ा सा ही पचाओ। तो उसको पचाने के लिए इसमें कुछ डाइजेस्टिव जूसेस होती हैं, वो इसमें मिलकर इसको ही पचाने का काम करती है। द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब बाय द ब्लड एंड रीचेज डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी थ्रू ब्लड। अब जो फूड डाइजेस्ट हो जाता है, तो उस फूड में देखिए कई तरह का विटामिन होता है, ठीक है, प्रोटीन होता है, वो ब्लड में मिलके हमारे शरीर के कई हिस्सों में जाता है। तभी होता है ना कि खूब खाओ बॉडी बनेगा, ये होगा वो होगा, तो ये ऐसे ही काम करता है, ऐसे ही आपका खाना अलग अलग हिस्सों में पहुंचता है ब्लड में मिलके। इसमें एड मोर में इट टेक्स अबाउट 3 to 6 आवर्स टू डाइजेस्ट द फूड, यानी कि खाना पचने में लगभग 3 से 6 घंटे लगते हैं। ठीक है, अब है द लार्ज इंस्टेटाइन, बड़ी आंत, ये देखिए बड़ी आंत का फोटो। हाँ, तो इसमें लिखा हुआ है द पार्ट ऑफ द फूड, द पार्ट ऑफ द फूड दैट इज नॉट डाइजेस्टेड, ऐसा पार्ट फूड का जो कि डाइजेस्ट नहीं हुआ रहता है, पासेज इनटू द लार्ज इंस्टेटाइन विच इज़ अ वाइडर ट्यूब देन स्मॉल इंस्टेटाइन। अब जैसे कि कुछ पार्ट तो स्टमक ने किया, कुछ मतलब प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टमक में हुआ, उसके बाद जो ये बचा तो स्टमक ने स्मॉल इंस्टेटाइन को ही भेज दिया। अब स्मॉल इंस्टेटाइन से जब ये बचा, तो उसने क्या कहा कि भैया अब एक काम करो कि बच गया, अभी इनका खाना अभी पचा नहीं है, तो वो भेज दिया लार्ज इंस्टेटाइन को। ठीक है, द पार्ट ऑफ द फूड दैट इज़ नॉट डाइजेस्टेड, जो कि फूड का वो पार्ट, खाने का वो पार्ट जो पचा हुआ नहीं रहता है, वो लार्ज इंस्टेटाइन में आ जाता है। लार्ज इंस्टेटाइन एक वाइडर ट्यूब होता है, जो वाइडर होता है देन स्मॉल इंस्टेटाइन, एक ट्यूब होता है जो कि स्मॉल इंस्टेटाइन से चौड़ा होता है। ठीक, इट इज़ शॉर्टर टू, ये छोटा भी होता है उससे। हियर वाटर एंड अदर मिनरल्स आर एब्जॉर्ब फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, ऐसा फूड जो पचा हुआ नहीं रहता है, उसमें से पानी और मिनरल ये मतलब यहाँ पे खींच लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, वट इज़ नॉट नीडेड बाई द बॉडी दैट इज़ द वेस्ट इज सेंट आउट एज स्टूल थ्रू द एनस एंड द यूरिनरी ऑर्गेन्स। अब जैसे कि ये जो वेस्ट होता है, जो वेस्ट जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, अब तो ये पचेगा नहीं, तो उसमें से क्या होता है कि पानी और मिनरल खींच के बाकी स्टूल के तरह, यानी कि मल के रास्ते बाहर निकल जाता है हमारे शरीर से। समझ में आया? ठीक है, यानी कि 3 प्रोसेस में होता है, खाना पहले आएगा हमारे स्टमक में, स्टमक के बाद स्मॉल इंस्टेटाइन, स्मॉल इंस्टेटाइन के बाद
लार्ज इंस्टेटाइन में, ठीक है, स्मॉल इंस्टेटाइन में कई तरह के डाइजेस्टिव जूसेस होती हैं जो कि हेल्प करती हैं खाने को पचाने में, ठीक है। कहानी बस इतनी है, लेकिन इतना ही नहीं है, जैसे जैसे आप सीनियर क्लासेस में जाओगे इसको और डीप में हम लोग पढ़ेंगे, अभी के लिए इतना काफ़ी है। ओके चलिए अब आते हैं, क्या है लीवर। तो लीवर, लीवर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेते हैं, अभी तो ये पार्ट वन तक हम लोग इतना ही रहने देते हैं।